गुड मॉर्निंग बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हम कल पढ़ रहे थे मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी मनुष्य में रोग और सूक्ष्म जीवों के द्वारा किस प्रकार से फैलते हैं। तो कल हमने देखा था संचरणीय रोगों के बारे में, यानी ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति में वायु, जल और भोजन के द्वारा फैलते हैं, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स, हैजा, सामान्य सर्दी जुखाम है, क्षय रोग इत्यादि, ये सारे के सारे संचरणीय रोग है। अब देखो, जब जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक विषाणु या फिर वायरस भी वायु में आ जाते हैं, और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब कोई जुखाम से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति होता है, जो जब वो छींकता है तो उसके जो हजारों जो सूक्ष्म छोटे छोटे जो बिंदु के रूप में जो वायरस है वो वायु के अंदर आ जाते हैं, और वो वायु के अंदर आने के बाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। यानी कुछ कीट और जंतु ऐसे भी हैं जो रोगवाहक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। यानी मक्खी है वो कूड़ा करकट है और जंतुओं के अपशिष्ट है, इनके ऊपर बैठती है। रोगाणु इसके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। यानी जब मक्खी है वो बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है तो वो उनके अंदर जो चिपके हुए जो सूक्ष्म जीव है वो उनके अंदर छोड़ जाती है, फिर रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए और बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका एक उदाहरण है। यानी मादा एनाफिलीज मच्छर जो आपको नीचे दिखा रखे इसका एक उदाहरण है। मच्छर प्लेजमोडियम या फिर मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। यानी मादा एडिज मच्छर वो डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, वो देखो। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। यानी सभी मच्छर वो जल के अंदर पैदा होते हैं, और ये जो जल के अंदर पैदा होते हैं इसीलिए हमें जल है वो कभी भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, या फिर कभी भी जल को रुका हुआ नहीं रहना देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। यानी हम हमारे आसपास के स्थानों को स्वच्छ और शुष्क रखकर सूखा रखकर मच्छरों को पैदा होने से हम बचा सकते हैं। ऐसे उपायों को सूची बनाने का प्रयास कीजिए और अपना मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। इस प्रकार से मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। अब देखो, इधर आपको दिखा रखे मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, और मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग देखो। पहला एक तरफ देखो मनोरोग दे रखा है, दूसरा देखो सूक्ष्म का रोग का सूक्ष्म जीव दे रखे है, तीसरा देख रखा है संचरण का तरीका, और इधर दे रखा है बचाव के उपाय। यानी देखो, एक तरफ आपको मनोरोग दे रखा है, दूसरा आपको रोग कारक सूक्ष्म जीव, तीसरा संचरण का तरीका, और चौथा है बचाव के उपाय जो सामान्य है। तो ये आपको पढ़ने हैं। यानी इसमें कई प्रकार के रोग है, जैसे क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, ये इसके मानव के रोग है। और देखो, ये होता किस किस है, जैसे जीवाणु है, वायरस है और प्रोटोजोआ, इनके द्वारा होता है। ये हम
ढंग से कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।